हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी भी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही स्टॉक खरीद के रखा हुआ है NHPC, और इसी के अंदर हम लगा कर देखेंगे स्टॉप लॉस कि किस तरह से हम यहाँ पे अपने पोजीशन के अंदर जो भी ओपन पोजीशन है उसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास देखिए ग्रो एप्लीकेशन का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने उसको जब बाई कर लिया है तो आपको वो स्टॉक पोजिशन के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने NHPC के 2 शेयर खरीदे हैं 78.40 रुपये के भाव में, और अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा निगेटिव में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी स्टॉक के अंदर हम देखेंगे कैसे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड फीचर भी आपको मिल जाता है सबसे ऊपर, एड स्टॉप लॉस का। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। एक बार यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे टॉप के ऊपर आपको दिखाई देगा डिलीवरी एंड इंट्राडे। आपका पोजीशन अगर इंट्राडे का रहेगा तो ऑलरेडी वो इंट्राडे पे ही क्लिक होके आएगा। अगर आप अपने डिलीवरी के शेयर के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट लगाना चाहते हैं तो आप डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल हम इंट्राडे के पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस लगाना देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंट्राडे पे क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्वांटिटी हमने 2 शेयर खरीदे थे यहाँ पे NHPC के, तो 2 ही यहाँ पे रहने देते हैं। एंड इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का। ठीक है, अब देखिए मैंने 78.40 रुपये में इसको खरीदा था। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रिगर स्टॉप लॉस हो वो 78 रुपये पे हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस को यहाँ पे 78 रुपये डाल दूंगा। और इसी के हमें यहाँ पे लिमिट प्राइस भी डालना होता है। देखिए एड लिमिट प्राइस का एक ऑप्शन हमको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस के नीचे दिखाई देगा, तो जो भी हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल रहे हैं उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे लिमिट प्राइस को हम डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे 78 रुपये डाल दिया है, मैंने 78.40 रुपये में इसको खरीदा था। स्टॉप लॉस मेरे को अगर यहाँ पे 77.90 रुपये पे लगाना है तो ही मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो है वो 78 रुपये लगाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 76 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा तो मैं ट्रिगर प्राइस को 76.10 रुपये 5 पैसे कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़ाकर ही डालूंगा। तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 78 डाला है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर लिमिट प्राइस जो है वो यहाँ पे 77.19 रुपीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे लिमिट प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस से देखिए यहाँ पे 10 पैसे कम भी हो गए और हमारा स्टॉप लॉस 77.90 रुपये पे यहाँ पे लग भी गया। बस यहाँ पे हमको सेल पे क्लिक करना होता है और ये ऑर्डर देखिए हमारा प्लेस हो चुका है। डन पे क्लिक करके हम अपने ऑर्डर सेक्शन पे जा करके ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर हमने अभी लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजिशन के अंदर अभी हम देखेंगे तो ये हमारा पोजिशन है। एंड ऑर्डर के ऊपर चलेंगे तो देखेंगे NHPC का 2 शेयर हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कितने पे, 78 रुपये पे ट्रिगर है और 77.90 रुपये पे हमारा लिमिट प्राइस है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे अगर हमको इसको चेंज करना हुआ, एडिट करना हुआ तो क्या करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहीं पे देखिए 2 ऑप्शन आपको आएंगे, या तो आप अगर चाहें तो इसको तुरंत कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल पे क्लिक करके, या फिर आप चाहें तो अपने प्राइस को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफाई पे क्लिक करके। जैसे मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जो स्टॉप लॉस मैंने 77.90 रुपये पे लगाया है ये स्टॉप लॉस हमारा 75 रुपये पे लग जाए तो मैं यहाँ पे 75 कर दूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो है मेरे को यहाँ पे 5 पैसे 10 पैसे या फिर 1 रुपये बढ़ाकर ही डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 75.10 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस हमने एडिट कर दिया है। मॉडिफाई सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर हमारा मॉडिफाई हो चुका है। अब स्टॉप लॉस का हमने प्राइस जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, हम ऑर्डर के अंदर भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी स्टॉक के अंदर या ऑप्शन के अंदर, तो इसी तरह से आप सभी लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।